हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो जैसे कि मैंने अपने आखिरी वीडियो में मैंने बोला था कि स्कूपिंग हम कैसे करेंगे जेल ब्रश के अंदर, तो उसके रिलेटेड एक वीडियो है ये, आपने थंबनेल में ऑब्वियसली देख लिया होगा। तो पहले तो मैं पहले से फर्स्ट से बात करूँ तो समझ लो कि जैसे कि मुझे मेरे कस्टमर ने कुछ दिया था वर्क, जो 3D वर्क था, ठीक है, 3D वर्क था जो मुझे नहीं आता है, तो मैंने उसको दिया था बाहर किसी और से करवाने के लिए पेमेंट करके, तो वो बन के आ चुका है। और वो जब बन के आ चुका है तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। वो OBJ फाइल मुझे मिली है, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो मैंने डेस्कटॉप पे रखी है ये वाली, ओके, इसको पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट में यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करना है, ओके ओके, थोड़ा सा टाइम लेके ये यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ी हेवी फाइल है, तो इसमें स्कूप करके मुझे नहीं दिया है, ठीक है, इसमें स्कूप नहीं है, मैंने बोला था स्कूप मैं करूँगा। तो देखते हैं कि देखो ये इस तरह से आ सकती है, ठीक है, सेंटर, ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर में ही बनी हो ये वाली फाइल। यहाँ पे प्लास्टिक व्यू करते, देखो इस तरह से सब कुछ थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट से बना हुआ यहाँ पे है, कुछ इस तरह से देखो, ठीक है, ओके। तो इस फाइल को हमें करना है स्कूप, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको ग्रुप करके इसको कंट्रोल अल्टर सी से मैं ले लेता हूँ इसको सेंटर में, ओके। तो इसकी एक कॉपी तो हमारे पास पड़ी है, ठीक है, जो डेस्कटॉप पर पड़ी है या फिर आप कहीं पे भी बना रहे हो वहाँ पे क्रिएट कर लेनी है कॉपी, जिसमें पीछे लिख देना है सॉलिड पार्ट। तो ये चीज़ हो जाने के बाद देखो इसमें हम करेंगे क्या, इसकी एक यहाँ पे बनाना है OBJ, तो यहाँ पे मैंने F12 में एक्सपोर्ट का शॉर्टकट डाला है। आप को शॉर्टकट चाहिए जो भी नए देख रहे हैं तो Part 1 से भी देख सकते हैं, जिसकी हेल्प होगी। और आपको शॉर्टकट चाहिए तो किस तरह से फिल करना है उन्होंने Part 1 में बताया है, Part 1 या 2 में बताया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगी पूरे ये लिस्ट की Matrix 9 फिल कोर्स के बारे में, और आपको शॉर्टकट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक नीचे दी गई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पे मेन पार्ट यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओ लिखना है, ठीक है, OBJ में हम चले गए, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, OBJ क्रिएट करेंगे। इसकी ऑलरेडी OBJ है लेकिन हम अच्छे, वो जो हमने सेटिंग किया था हमारे सेटिंग के हिसाब से वो OBJ बनाएंगे। तो OBJ बनने के बाद तुरंत ही हमें करना क्या है कि तुरंत ही हमें जाना है ZBrush में, यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। ZBrush में जाने के बाद जाना है हमें इंपोर्ट, हो सकते थोड़ी सी लंबी प्रोसेस या इतनी भी लंबी नहीं है, आप सीख सकते हो, आपको जाना है इंपोर्ट में। मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, पहले ये पूरा थियरी बता देता हूँ, लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा क्या ध्यान रखना है क्या नहीं। तो इंपोर्ट करते हैं हम सीधे डेस्कटॉप से ये वाली फाइल मेन पार्ट, देखो ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। तो इस तरह से ड्रैग करना है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप नहीं करोगे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ऐसे स्ट्रेट रहेगा। ड्रैग करके यहाँ पे सीधा ही हमें एडिट बटन पे क्लिक करना है, तो आप इसको घुमा सकते हो कुछ इस तरह से। इसको हमें क्या करना है कि राइट व्यू करना है, तो इसमें मैट्रिक्स की तरह की नहीं चलती है, Ctrl T R L ऐसा नहीं चलेंगी। इसमें हमें क्या करना है, जितना मुझे पता है वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसमें करना क्या है कि इस तरह से रखना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ड्रैग करना है, समझ गए, मैं वापस से करता हूँ जैसे मैं टॉप कर रहा हूँ। तो शिफ्ट को प्रेस करके रखा है मैंने, जो लेफ्ट वाली क्लिक है दाहिने साइड की, तो जो लेफ्ट वाली क्लिक है उसको मैंने प्रेस करके रखा है, मतलब प्रेस करके नहीं रखा है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, लेफ्ट वाली क्लिक को एक थोड़ा सा ऐसा ड्रैग करना है, ठीक है, राइट व्यू करना है, ड्रैग करना है, बैक व्यू ड्रैग करना है, ये ड्रैग करना है, इस तरह से आप देखो इस तरह से ड्रैग करते हुए ऐसे बना सकते हो। ओके, तो ये व्यू में हमें रहना है, तो अल्टर दबा के आप इसको मूव कर सकते हो, अल्टर और लेफ्ट क्लिक को, और कंट्रोल्स और राइट क्लिक को दबाते हुए आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। ओके, तो ये यहाँ पे रखता हूँ मैं, यहाँ पे जाना है सब टूल में, सब टूल में हम क्या करेंगे, एपेंड में जाके यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर 3D। अब हमें क्लिक करना है सिलेंडर पे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जाना है मूव ऑप्शन पे, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो,
कुछ प्रेस नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है ऐसे, तो सिर्फ प्रेस करके आप स्टेट कर सकते हो, वरना ये रेंडमली होगा। स्टेट करना है तो सिर्फ प्रेस करना है ऐसे, छोटा करना है तो यहाँ पे येलो वाले पे देखो, ये येलो पे क्लिक रखना है, सिर्फ प्रेस करके रखना है और ऐसे ड्रैग करना है आपको इस तरफ, और ये एरो से मूव कर सकते हो। तो इत एप्रोक्सली इसका साइज, सॉरी ये हो गया, कंट्रोल जेड इसमें चलता है, कंट्रोल जेड वाई कर सकते हो आप, तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इसका कोई साइज़ नहीं है, एप्रोक्सली आप रख सकते हो, और इसको इस तरह से मूव करना है, ओके कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई है, दिक्कत हमें क्या हुई है कि जब आप स्कूप करोगे तो यहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं वापस से आपको बताना चाहूँगा, आप बोल सकते हो कि मैं भूल गया वो बताना, तो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये कोई भी फाइल आपके पास आती है, इसको हमें थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि उतना पार्ट कट होने वाला है, लाइक 0.81 mm जैसा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट जेड करेंगे, यहाँ पे मैं 7 point कर लेता हूँ, देखो इस तरह से कुछ, ये पूरी नीचे की एक लाइन को मैं कितना यहाँ पे 1 mm, देखो ये 1 mm नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये हो गया, जो हमें एक्स्ट्रा मेटल चाहिए कट करने के लिए। अब हम इसकी क्या करेंगे, ओबीजे बनाने वाले, वापस से वही करना है, ओबीजे बनाना है। तो ये एक स्टेप था जो मैं बताना भूल गया था आपको, ठीक है, ये पहले करना है, उसके बाद ओबीजे करना है, फिर जेड ब्रश में जाना है, फिर इनपुट करना है कुछ इस तरह, ओके इनपुट करना है। यहाँ पे देखो न्यू फाइल करने के लिए जेड ब्रश में, अगर न्यू फाइल करनी है आपको तो क्या करेंगे, पहला तो आप जेड ब्रश को क्लोज करके ओपन कर सकते हो तो ये न्यू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे प्रिफेशंस में, प्रिफेशन में जाके थोड़ा इंग्लिश का देख लेना यार, ठीक है, इंट जेड ब्रश ये वाला फर्स्ट वाला क्लिक करना है आपको, यहाँ पे यस दे दो, ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइल न्यू हो जाएंगी। अब हम करते हैं इम्पोर्ट, जो फाइल हमने ओबीजे बनाई थी वो यहाँ पे ड्रैग करना है, एडिट करना है और इस तरह से व्यू करके ऐसे रखना है। सब टूल में जाके यहाँ पे एपेंड में जाना है आपको, सिलेंडर 3D लेना है और उसको यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे मूव करना है, ओके तो इसको कर लिया हमने रोटेट, ये कर लिया, सॉरी यहाँ पे इसको कर लिया छोटा कुछ इस तरह से, और ये कर लिया मूव, थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पे, मूव आपको थोड़ा सा अंदर रखना है कुछ इस तरह अप्रोक्सली, ओके तो इस तरह से ये से भी हिला लेना है आपको, ओके ये मिडिल में रखना है, या यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो इस तरह से, ठीक है, थोड़ा अप ले लेते हैं, ओके तो इतना होने के बाद हमें करना क्या है यहाँ पे कि देखो ये मेन पार्ट को सिलेक्ट करना है, सब टूल को हाइड करना है, ज्योमेट्री ओपन करना है, डायनामेश देना है हमें यहाँ पे, डायनामेश 750 या 800 जैसा कुछ रखेंगे, डायनामेश पे क्लिक करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, आप देख रहे हो कि क्लोजिंग होल्स ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो आपको तुरंत यहाँ पे पता चल जाएगा जब प्रोसेस ख़त्म होगा, तो ये थोड़ा सा चल सकता है, लंबा भी चल सकता है, कम भी टाइम में भी हो सकता है, थोड़ा डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे। तो ये अभी हो जाने के बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको होने देते हैं, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम जंप लगा देता हूँ मैं वीडियो में, ठीक है, थोड़ा स्किप कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये प्रोसेस जल्दी से हो नहीं रहा है, रेगुलरली इतना टाइम लगता नहीं है, तो इसमें भी हमें एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पे आप देखो इस तरह से हो जाएगा, आपको जेड ब्रश को बंद करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, देखो ये आप यन ग्रुप करोगे तो आपको पता चलेगा ये सब टुकड़ों में बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है, ये जो है इसको हम क्या करेंगे हाइड कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसका स्कूपिंग में कोई काम नहीं है उस पार्ट का। इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे 6 space करना है आपको, 6 space अगर आपने शॉर्टकट डाल दिया है, नहीं डाले तो आप कमांड यहाँ पे देख सकते हो, एक्स्ट्रा टेंडर मेश जो मैंने बता देता हूँ कहाँ से आता है, मेश में जाना है, यहाँ पे मेश रिपेयर में जाना है और यहाँ पे सॉरी मेश एडिट टूल्स में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा, वेट मेश में जाके सॉरी यहाँ पे मेश में जाके मेश रिपेयर में या फिर मेश एडिट टूल्स में, दोनों में से एक जगह पे है, ओके इसमें तो नहीं है, तो मेश एडिट टूल्स में देखते हैं यहाँ पे, ओके एक्स्ट्रा रेंडर मेश, ठीक है,
ये जो ऑप्शन है एक्सट्रा रेंडर मेश, अब देख लो मेश के अंदर, मेश एडिट टूल्स में एक्सट्रा रेंडर मेश, ये वाला शॉर्टकट है सिक्स स्पेस के अंदर। तो उतना करने के बाद आपको तुरंत ही डिलीट करना है, ओके, यहाँ पे ये, और इसको भी क्या करना है पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे सेवन स्पेस करना है। इसका कमांड है जीवी मेश रिपेयर, जो यहाँ पे टूल्स में नहीं, आपको कमांड सेक्शन में ही लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखना है जीवी मेश रिपेयर, तो इस तरह से ओपन होगा। इसमें फर्स्ट में ऑन रखना है, ये भी ऑन रखना है, यहाँ पे 0.01 करना है, देन एंटर, एंटर दो बार एंटर करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, 30% हुई है ये, लेकिन ये चल रहा है, यहाँ पे 100% तक होगा। अगर इसमें भी ज़्यादा दिक्कत है तो ये आपका मैट्रिक्स भी हैंग हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ वहाँ से फाइल ठीक ही आती है। लेकिन ये मुझे इस पे वर्क था तो मैंने बोला था टुकड़ों में बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो गया है, ठीक है, इसको बंद करते हैं। देखो ये प्रोसेस हो गया, अब इसका ओबीजीएम बना के आगे जो हमने किया था वही स्टेप कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पहले ओबीजीएम बना लेते हैं। ओके, तो ये ओबीजीएम बनने के बाद यहाँ पे करते हैं जेडब्रश को ओपन। ओके, तो ये जेडब्रश ओपन होने, इसको कर लेते हैं हम हाइड, और वही स्टेप यहाँ पे करना है, इनपुट करना है डेस्कटॉप पे ये वाला फाइल, ये किया हमने इनपुट, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है तुरंत, ये राइट व्यू। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे सब टूल में जाना है, यहाँ पे एपेंड में, यहाँ पे लेना है सिलेंडर 3D, सिलेंडर पे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है मूव पे, इसको करेंगे शिफ्ट प्रेस करके रोटेट, यहाँ पे इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्या करेंगे छोटा करेंगे इसको, और थोड़ा सा मर्ज करके यहाँ पे थोड़ा इस तरह से कुछ रखेंगे। इतना होने के बाद मेन फाइल को ही सिलेक्ट कर लेना है, सब टूल को हाइड, ज्योमेट्री को ओपन करना है, डायनामिक्स में जाना है, और यहाँ पे रिजोल्यूशन को 750-800 के करीब रख के डायनामिक्स यहाँ पे देना है। देखो ये देखा आपने कितनी जल्दी हो गया, जो अगर ये सब कुछ ठीक रहता है फाइल में तो जल्दी होता है, वरना आपको समझना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि फाइल में कोई दिक्कत है। डायनामिक्स हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिलेंडर में भी सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, और उसको भी यहाँ पे उसी तरीके से डायनामिक्स देना है। दोनों को डायनामिक्स देने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये रखना है जो अपर का है, इसको यहाँ पे डाउन रखना है, और यहाँ पे जाना है मर्ज में। ये जो अभी मैं स्टेप बता रहा हूँ सेम है जो जेम कटर में मैंने बताया था, वही स्टेप है ये। तो यहाँ पे करना है मर्ज डाउन, और यहाँ पे ओके। तो इतना हो जाने के बाद अभी हमें ड्रैग नहीं करना है, हमें क्या करना है, जाना है ज्योमेट्री में, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट सेल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे एग्जैक्ट डायनामिक्स के नीचे यहाँ पे। तो यहाँ पे थिकनेस पता नहीं चलेंगी हमें किस तरह से रखना है, यहाँ पे मैं 9 से 10 कर कुछ रख के देखूँगा, और यहाँ पे करना है क्रिएट सेल। तो देखो ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम ले सकता है, इतना भी ज़्यादा नहीं लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, और पीसी के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे मेरा इतना जल्दी हो गया ये, तो थोड़ा सा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी कम है, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको मेटल, ये काफ़ी कम है। तो यहाँ पे एक बार कंट्रोल जेड करना है, और ये वापस से यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे 13-14 जैसा करके वापस से क्रिएट सेल करता हूँ। तो इस बार देखते हैं कि कितना यहाँ पे ये होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको दिमाग से आइडिया लगाना पड़ेगा, और बाकी तो आप एक्सपोर्ट करके मैट्रिक्स के अंदर आप जान सकते हो कि फाइल क्या है। लेकिन लेने के बाद आगे क्या स्टेप करना है, बुलियन कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मुझे अभी ठीक लग रहा है, अगर नहीं भी है तो आप समझ लो किस तरह से करना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे मेन पार्ट पे ही डेस करके फाइनल लिख के यहाँ पे अलग से एक ओबीजे बनाता हूँ, क्योंकि कुछ हुआ तो वापस इसको ओपन करके हम करेंगे, ठीक। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, ये था हमारा सॉलिड वाला, इसको क्या कहता हूँ थोड़ी देर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इनपुट करते हैं कौन सी फाइल जो हमने पीछे लिखा था सॉलिड, लेकिन यहाँ पे हमें लेना है ओबीजे, ठीक है, ये लेना भूलना नहीं है, वरना आप स्टील में या 3D में रहोगे तो आप कहोगे कि फाइल तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है, ओबीजे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देखो ये यहाँ पे दिख गया आपको मेन पार्ट फाइनल, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, कोई भी डायलॉग बॉक्स या कुछ ओपन होता है तो उसमें आपको ओके देना है। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे,
अब ओपन हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये ओपन हो गया, यहाँ पे देखो इतना ओपन होने के बाद अब देखो कि ये टुकड़ों में, ठीक है, दो टुकड़ों में रहेगा ये 1 2। इसको आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो, देखो ये यहाँ पे 0.65 के करीब है, जो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आपको डायमंड रखने हैं तो आप 0.7 से 0.8 रख सकते हो, अगर ऐसा बड़ा पेंडेंट है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर स्कूप करके करना है तो आपको 1 mm रखना चाहिए वो वाला पार्ट, तो उसमें आप 35 का डिप कर सकते हो ब्राइट कट के लिए। ओके, तो इसको क्या करना है, बेसिकली इसको कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पे हमें एक इसको सिलेक्ट करके आइडिया लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जिट इसके थोड़ा सा ऊपर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन लेना है ऐसा। उसके बाद हम पूरा पेंडेंट को पकड़ के यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, जे स्पेस इसका शॉर्टकट है। जॉइंट हो जाने के बाद यहाँ पे एक F9 इसका शॉर्टकट है, ठीक है, कमांड आप यहाँ पे देख सकते हो, extrude CRV extrude curve। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि एक सरफेस क्रिएट होगा इस तरह से, और इसका डायरेक्शन भी हमें देख लेना है, उसके बाद बुलियन करना है। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे DIR करना है हमें स्पेस, तो जिस साइड पे भी ये एरो रहेंगे उसको ये बुलियन नहीं करेगा, तो हमें ऊपर का जो भी पार्ट है वो बुलियन नहीं करना है। एरो को हमने ऊपर ले लिया फ्लिप करके, एफ स्पेस करेंगे इसके लिए, और ये हो गया वापस स्पेस करके एंटर। ओके, तो इसको भी क्या करना है, बुलियन करना है। आप इस तरह से कर सकते हो F6, और यहाँ पे देखो ये होगा यहाँ पे मेश डिफरेंट, और सरफेस सिलेक्ट करना है देन एंटर। तो नीचे का पार्ट आप देखोगे कि अभी बुलियन हो जाएगा, तो वो बुलियन होगा तो उसके साथ ही हमें नीचे की तरफ स्कूपिंग दिख जाएगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका, लेकिन बुलियन ज़रूर हो जाएगा अगर जेड ब्रश से फाइल ओपन हुई है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बुलियन के दौरान आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, बस ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंट रखना है 1-2 मिनट के लिए। ओके, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये देखो बुलियन हो चुका है, आप देख रहे हो कितना अच्छे से यहाँ पे बुलियन हुआ है, ना ही हमें किसी की ज़रूरत है इस स्टेप को करने के लिए। तो आप देख सकते, इस तरह से आप कर सकते हो आराम से। और एक और बात आपको मैं इसमें एज समझ सकते हो बोनस या आप कुछ भी समझ लो, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक और अच्छी बात क्या कर सकते हो। देखो इतनी चीज़ हो गई, अब आपको क्या होगा कि ये दिक्कत होगी कि अगर आपको इसकी आउटलाइन बॉर्डर लेनी है तो आप ना ही इसका डुप्लीकेट ले सकते हो, ना ही कुछ और कर सकते हो। देखो ये उंगली यहाँ पे नहीं कटनी चाहिए, वो सब आपको थोड़ा ध्यान से करना है, लेकिन आप समझ लो थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है। अगर मुझे इसका आउटर बॉर्डर चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको लिखना है EXPLODE, एक्सप्लोर लिखना है। ओके, तो एक इस तरह से होगा थोड़ा सा प्रोसेस। देखो ये इसको Ctrl W से यहाँ पे ग्रुप भी करना है, तो आपको ये देखो आउटर मिला है यहाँ पे, इसको क्या करना है Ctrl C से कॉपी कर लेना है, और कंट्रोल यहाँ पे Ctrl Z कर लेना है, कितनी बार, 2 बार। ओके, तो 2 बार आपको Ctrl Z कर लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड करते हैं, और जो हमें कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। देखो ये यहाँ पे मिला, अब इसका हमें आउटर लेना है, तो आप देखो डुप्लीकेट लेने बैठोगे तो आप देख रहे हो कि कितने छोटे छोटे कर्व्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, सरफेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है कर्व में, और यहाँ पे आपको जाना है सेकंड पेज में दूसरी लाइन में आखिरी वाला ये डुप्लीकेट बॉर्डर, तो पूरा सरफेस सिलेक्ट करके आपको ये डुप्लीकेट बॉर्डर पर क्लिक करना है, और देखो ये आ गई, इसको तुरंत ही ज्वाइंट कर लेना है। इस सरफेस को क्या करेंगे, अगर संभाल के रखना है तो हाइड करेंगे या डिलीट करेंगे, तो ग्रिल को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये आउटर हमें मिल गया यहाँ पे, देख रहे हो आप, ठीक है। इसको हम पेच दे के यहाँ पे हम इसको ट्रिम करके यहाँ पे एक बॉर्डर भी आसानी से बना सकते हैं। देखो ये ट्रिम किया, अगर ये ज़्यादा वो ले रहा है, प्रोसेस ले रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा ये हो जाने देते हैं प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस लेता है पेच लेने में सब करने में, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पे कर्व्स में पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद में यहाँ पे पॉइंट्स हो गए, तो उसको हमें रिबिल्ड देके ठीक करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, वो करते हैं। देखो ये यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेस ले रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, Ctrl Z कर लेते हैं, इसको हमें देना है रिबिल्ड। रिबिल्ड कितनी देंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 रिबिल दे रहा हूँ, फिर भी जो अभी चिपक रहा था वैसा नहीं होगा, तो इसको करते हैं पेच,
ईयर के या ट्रिम कऊ को संभाल के हाइड में रख लेते हैं या फिर लेयर में। और देखो इसको आप इस तरह से मेटल दे के आप इस तरह से बना सकते हो। देखो ये अलग से बन गया। इसमें अब आप जाली फिट कर सकते हो या सॉलिड प्लेट फिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाला है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा पहले से। तो देखो ये नॉर्मली बात यही है कि इस तरह से आप स्कूप कर सकते हो और काफ़ी आसानी से ये हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।